प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम में एक और नया विषय, एक नई चिंतन की दृष्टि और शैली लेकर हम प्रस्तुत होने की कोशिश कर रहे हैं। नया क्या है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या नया है। हम कई बार दावा करते हैं कि ये मौलिक चिंतन है, लेकिन मौलिकता बड़ी विलक्षण होती है। अधिकतर तो हम दोहराव में ही उलझे रहते हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम में भी कई बार शायद आपको लग सकता है कि इस विषय पर पहले चर्चा हुई है। तो निश्चित तौर पर, जैसा मैंने कहा आपसे, इस पर भी हम कभी अपने विषय विशेषज्ञ के साथ चर्चा करेंगे कि नित नूतन, प्रतिदिन नया, नित्य कैसे हम चिंतन की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी आगे बढ़ें। जैसे एक नदी बहती है और दार्शनिक कहते हैं कि ये वो नदी नहीं है जो कल जिसमें आपने स्नान किया था, बहुत पानी बह चुका है गंगा में, बहुत पानी बह चुका है नर्मदा में। बहरहाल ये तो एक अलग विषय होगा। आज का जो हमारा विषय है उसमें जो दृष्टि हमारी है वो एक उक्ति और एक सेइंग से जुड़ती है जो ये कहती है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। और अगर सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। मनुष्य की कहानी इन दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में ही बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती है, सुख और दुख। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन के जितने भी पड़ाव हों, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हों, वो सुख रूपी गंतव्य पर ही समाप्त हो, जब से वो होश संभालता है। विवाह हो तो सर्वोत्तम हो, नौकरी हो तो सर्वोत्तम हो, धन आए तो सर्वोत्तम हो, पुत्र या पुत्री हो तो सर्वोत्तम हो, वृद्धावस्था हो तो सर्वोत्तम हो। इसीलिए दुख बहुत गहरी अनुभूति से गुजरता रहता है व्यक्ति, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं कि दुख तो आपको विनम्र करता है, दुख आपको द्रवित करता है, तरल करता है। आप कहते हैं कि कभी मेरे पास भी था भैया, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, ये इसी टेबल पर बैठकर 3,000 रुपये उठाता था पर डे भैया। ऐसे माफ़ कीजिएगा, कुछ मुलाजिमों को मैंने बड़ी ये गर्वोक्ति या निराशोक्ति, जो भी आप समझें, ये कहते हुए मैंने उन्हें सुना है। अब भैया हमारा ज़माना चला गया, फलाने साहब जो हैं वही पीट रहे हैं समय तो माल जम के, ऐसी बातें भी सुन लेते हैं। और सुख जो है वो उसी व्यक्ति को जो बहुत विनम्र होता है, जब उसका एक चुनौतीपूर्ण समय या दुख चलता रहता है तो वो बहुत ही अलग हर को नमस्कार करेगा, और भैया ठीक हैं, बस भैया काट रहे हैं समय, भैया कट रहा है, प्रभु निकाल दें। और जैसे ही सुख आता है कुछ दिन तक तो वो पुराने पाठ याद रखता है, अरे नहीं भैया बस चल रहा है, हाँ भैया पहले से काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये भैया फिर ऐसे बदलते रहते हैं, मिलना कम होता जाता है, देखना कम होता जाता है, अकड़ के चलने लगते हैं। तो सफलता क्या एक दुर्गुण है, या समृद्धि क्या एक कोई दुर्गुण है? कई लोग तो बचे रहते हैं इससे, रतन टाटा को तो ये छू भी नहीं पाती है, वो आज भी मुंबई में बहुत सामान्य व्यक्ति की तरह घूमते हैं। और रतन टाटा ही नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों की, ऐसी लाखों लोगों की मैं बात बेहिचक कर सकता हूँ इस संसार में, जिनमें से कईयों से मैं भी रूबरू हुआ हूँ, जिनके मन में सफलता का, धन का, समृद्धि का कोई भाव नहीं। चलिए इसको समझेंगे विषय को। आज हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। विषय आपके सामने है गोस्वामी जी। ये विषय बहुत रोचक और दार्शनिक विषय आप लेकर आ गए हैं, और आपने जिन पंक्तियों का उपयोग किया, मैं उसको सुनते सुनते उन पंक्तियों का स्मरण कर रहा था, तो उसमें कितना सुंदर अध्यात्म प्रकट हो रहा था जी, कि दुख में सुमिरन सब करें जी और सुख में करें ना कोई। इसका अर्थ ये हुआ कि सुमिरन करने से दुख दूर हो जाता है। आहा वाह, इसका एक सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि जैसे ही आपने सुमिरन किया तो दुख दूर हो जाता है। तो इसका मतलब सुमिरन ही सुख है ना, और वो सुख में सुख आ जाता है तो उस समय सुमिरन करने की जरूरत नहीं होती। भाई जब सुख है तो सुमिरन है तभी सुख है, और जैसे ही सुमिरन चला जाता है तो दुख आ जाता है, और दुख में व्यक्ति सुमिरन करने लगता है। तो यहाँ सुमिरन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सुमिरन शब्द ही वो शब्द है
जो आपके अंतरचित्त से दुख को विदा करता है। आप ढूंढते हैं, आप तलाशते हैं, बोले क्या साहब मुझे सुख की तलाश, तलाश करते रहते हैं। सापेक्ष महत्व के हैं सुख और दुख, सिक्के के दो पहलू की तरह हैं सुख और दुख, स्थायित्व दोनों नहीं रखते। तलाश आपको ना सुख की है ना दुख की है। इस पर हम अनंत चर्चाएं कई बार कर चुके हैं कि हमें वास्तव में तलाश तो आनंद की है, सुख की तलाश तो है नहीं। अब हस्तिनापुर का पूरा साम्राज्य प्राप्त हो गया दुर्योधन को और वन में चले गए पांडव, तो उसको सुखी हो जाना चाहिए ना, लेकिन वो सुख कहाँ, उसको सुख की अनुभूति कहाँ हुई? इसलिए कि वो जानता है कि उसको जिस चीज की तलाश है वो तो वन में घूम रहा है ना, उसके सुख इसमें निहित नहीं था कि उसको राज्य चाहिए, उसका सुख इसमें निहित था कि उनका अस्तित्व समाप्त चाहिए। उन्होंने अस्तित्व समाप्त करने के लिए उन्हें वन में भेज दिया है। तो ये जो कुछ भी है ये सुमिरन के अभाव में है। पांडव वन में घूमते हुए भी दुखी थोड़ी है क्योंकि सुमिरन उनके साथ घूम रहा है। भाव समझिए आप, जो लोग तुलना के आधार में भौतिकता को रख देते हैं, मेटलिस्टिक को, तो उनको लगता है सुख भौतिकता में है। भौतिकता रूपी सुख को प्राप्त करने के लिए कितनी अनंत प्रयत्न और यात्राएं मनुष्य करता है और सब वो लेकर आ जाता है, तब भी उसके पास सुख नहीं रहता, क्योंकि संपत्ति सुख का सूचकांक हो सकता है, सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। आपने भी एक शब्द का प्रयोग किया, ये मैंने भी कुछ सिंहस्थ 2016 में जब कुछ साधुओं की संगत हुई तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा लोग बड़े सहज रूप से कह देते हैं आनंद में, आनंद बहुत दिव्य अवस्था है। उन्होंने कहा आनंद, सुख और आनंद में क्या अंतर है? देखिए ये आपने इतनी अच्छी बात कही, लेकिन इस बात का उत्तर भी आपने दे दिया। जो लोग सहज रूप में सुख की अनुभूति करते हैं वो आनंद में होते हैं। बहुत सरलता से आपने देखिए ये बहुत, जिस दिन आप सहज हो जाते हैं उस दिन आपका सुख जो है आनंद बन जाता है। बहुत अच्छी बात। हम सहज हैं ही नहीं, सहज हैं ही नहीं, तो इसलिए हम उसमें भेद करते हैं कि हम सहज नहीं है, असहज होकर जिसे ढूंढते हैं वो सुख है। हम जिसकी उपस्थिति, अब आप देखिए जो लोग दुख से घबराते हैं वो देखिए, ध्यान रखिए, दुख एक ऐसी नदी है जिसमें मीठा जल है, दुख एक ऐसी नदी है जिसमें मीठा जल है, और सुख एक ऐसी नदी है जिसमें गंदा जल है। अच्छा, पीने योग्य नहीं है सुख का जल। जल तो आप दुख का ही पी सकते हो, क्योंकि दुख में रहने वाला व्यक्ति आर्द्रता से सरोबर होता है, उसमें जो है उसके भाव निश्चल होने लगते हैं, बड़ी उसके पास विनम्रता आ जाती है, उसके पास जो है दीनता रहती है, उसके उसका वो उसके साथ सुमिरन रहता है। जो देख रहे होंगे गोस्वामी जी, वो सोच रहे होंगे तो क्या जीवन में सुख से वंचित रहे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, परिभाषा आपने नाम दिया है ना, मैं आपको एक बात कहूँ, आप किसी को धनी कब मानते हैं? जब उसके पास भौतिक संपत्ति ज्यादा होती है। तो आपने ये इंडेक्स तो आपने बनाया है ना, बिल्कुल ये आपका बनाया है ना। अच्छा चलिए अब इसे बदल देते हैं, जिसके पास प्राकृतिक संपदा बहुत ज्यादा हो, जो जो है कृत्रिम जीवन न जी रहा हो, जिसके पास सुंदर हवा है, पहाड़ में रह रहा है, चारों तरफ अच्छा वातावरण है, कुटिया है, उसके मन में कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, निश्चल भाव से रह रहा है। एक बालक से धनवान कोई नहीं होता, क्या बात है, एक फकीर वो से? अरे वो चंद्रमा को भी पकड़ना चाहता है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ नहीं होता। आप ध्यान रखिए, तो ये तो बनाया हुआ शब्द है आपका, आपने धनवान बना दिया है, आपने धनी की परिभाषा बना दी है। मैं तो ये भी देखता हूँ कि जो लोग धनी हैं वो बहुत निर्धन होते हैं, क्योंकि उनके अंतर मन में एकांत होता है, वो एकांत आत्मचिंतन वाला नहीं, सन्नाटा होता है, क्योंकि जो भी उनसे मिल रहा है स्वार्थ में मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, एक बड़े तपस्वी ऋषि हुए हैं याज्ञवल्लक जी, जिन्होंने भरद्वाज मुनि को राम कथा सुनाई है। याज्ञवल्लक मुनि की दो पत्नियां थीं, गार्गी और मैत्री, दोनों परम विदुषी और विद्वान, दोनों ने संहिताएं लिखी हुई है। तो गार्गी और मैत्री को एक बड़ा सार तत्व सुनाते हैं, वो कहते हैं सुनो, संसार में कोई अपना नहीं होता, केवल आत्मा अनुभूति ही अपनी होती है। पुत्र अपने को प्रिय तब तक लगता है ना जब तक वो हमारे हिसाब से चलता है, पत्नी हमें तब तक प्रिय लगती है जब तक वो हमारे हितकारी हम उसकी अनुभूति करते हैं, भाई हमें तभी तक प्रिय लगते हैं, माता पिता हमें तभी तक प्रिय लगते हैं। अच्छा अप्रिय कब लगने लगते हैं? जब वो हमारे हिसाब से नहीं होते हैं। तो इसमें प्रिय कौन हुआ?
ये पत्नी पुत्र परिवार संपत्ति या आप खुद अपने आप को, तो व्यक्ति जो है इतना संकुचित और स्वार्थी होता है कि केवल वो अपने हित का चिंतन करता है। तो जब भी वो स्वहित के चिंतन में स्वार्थी हो जाता है तो उसे उत्पन्न होने वाली अनुभूति को सुख नाम देता है। तो सोचिए कितना मैला रहता होगा पानी, बापरे कितना मैला रहता होगा पानी, जिसमें उसको कुछ नहीं है। पत्नी से भी प्रीति इसलिए है कि वो उसके हिसाब से रहे, पुत्र से भी प्रीति इसलिए है कि वो उसके हिसाब से रहे। अच्छा आप ना रहे उसके हिसाब से, नहीं नहीं मैं नहीं रहूँ, मैं नहीं रहूँ। और अगर आप उसके हिसाब से हो जाते हैं, देखिए जब जहाँ संचयन होता है, जहाँ रुका हुआ जल का सरोवर है उसे सुख कहते हैं, और जो बहता रहता है उसे दुख कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो बहता रहता है, बहता तो दुख में तो बहने लगता है ना, सब कुछ आर्द्रता में सब कुछ बहने लगता है, तो आप कभी स्पर्श नहीं करते, इसलिए बहते हुए जल में सुमिरन अच्छा होता है दुख में। तब जो है आपको संसार जो है, संसार सपनम तज मोह निद्रा लगता है, आपको लगता है कोई अपना नहीं है, केवल वो ही अपना है, तो आपकी एकाग्रता उससे जुड़ जाती है। लेकिन जो लोग सहजानंद अनुभूति में चले जाते हैं वो इन दोनों के अंतर की खाई को पाट देते हैं। नहीं जी, इसमें एक बात और होती है, आप बहुत सन्निकट हैं उसके। मेरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ अध्यात्म की भाषा में, तो जब आप दुख का, दुख के जल में स्नान करने लगते हैं, दुख में वो मीठी अनुभूति करने लगते हैं, उसका रसपान आप करने लगते हैं दुख का, तो वो जो दुख है अपने मूल स्वरूप का प्रदर्शन करता है, क्योंकि दुख के आवरण में छिपा हुआ आनंद ही होता है। ठीक बात है। वो उस जलस्रोत के नीचे, जैसे श्वेत द्वीप में मानसरोवर के नीचे जो है शेषशायी विष्णु के दर्शन लोगों को होते हैं, वैसी जो दुख से दुख के सागर को पार करता है या उसमें डूबने लगता है, विरह अग्नि में डूबती हुई गोपिकाओं को कृष्ण के दर्शन होते हैं। विरह एक अग्नि है, ठीक बात, दुख एक अग्नि है, सुखाग्नि नहीं होती, ध्यान रखिए, सुखाग्नि नहीं होती, सारी कसौटी दुख में है आपके जीवन में। एक और सुंदर उदाहरण आप समझिए, पिताश्री एक बड़ी सुंदर बात कहते थे, उनकी बात अच्छी बड़ी मीठी तौर पर कहते थे, किसी को दुखी देखते थे तो कहते थे वाह तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, अब परमात्मा की दृष्टि तुम पर है। सही बात, परमात्मा की दृष्टि तुम पर है, क्योंकि जो व्यक्ति दुख में, क्योंकि सुमिरन कर लिया है ना, तो परमात्मा उसे देखने लगते हैं, निहारने लगते हैं, फिर वो देखते हैं उनका बच्चा, उनका लल्ला, उनका ये बेटा जो संसार में आया हुआ है, ये ऐसे समय में क्या कर रहा है। तो केवल भगवान का भजन करना सुमिरन नहीं है, सुमिरन का अर्थ होता है अपने अंतर चित्त में वो चिंतन जागृत करना कि मैं आया क्यों था। देखिए सुमिरन कौन कर रहा है, वो डूबता हुआ हाथी कर रहा है जिसके पैर को गज ने पकड़ रखा हुआ है, वो सुमिरन कर रहा है। सुमिरन कौन कर रहा है, उस चिता में बैठा हुआ प्रहलाद सुमिरन कर रहा है, जिसे मालूम है कि चारों तरफ अग्नि लग रही है, तो वो सुमिरन कर रहा है। तो दुख वो भंवर है जिसके, जिसमें आप जैसे ही जाते हैं उस भंवर में, तो आपको किनारा मिल जाता है। इसको क्या मैं ऐसे भी समझूं, क्योंकि थोड़ा सा ये विषय मुझे लग रहा है कि शायद जो दर्शक व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उनके लिए इसको थोड़ा सा और समझाने जैसी आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है, कि कहीं ये ना समझें कुछ लोग कि इसका मतलब है क्या जीवन में दुख ही व्याप्त रहे पूरे समय। बहुत सुंदर आपने ये प्रतिप्रश्न कर दिया जी। इसको स्पष्ट करने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए प्रारंभ में ही हमने कहा है, जो आप कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुमिरन के आते ही दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाता है, आपकी अनुभूति है, आपकी अनुभूति है, उसको ध्यान रखिए। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, इसमें भी वाह वाह है, इसमें भी वाह वाह है। ध्यान रखिए रात में बेचैनी कितनी भी बढ़ जाए तो मध्य रात्रि में सूर्य तो नहीं उदय हो सकता ना, तो दिन बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है उनके लिए जो थकते नहीं हैं, सोते साते आराम से बेचैनी करके आप दिन बीत गए, दिन के बाद रात आती है, तो दिन विश्राम रात्रि के गोद में कर रहा है ना, तो दुख एक सब स्टेशन मान लीजिए जहाँ कुछ पल आपको रुकना है, फिर भोर उदय होगा, तो आपको अनुभूति में परिवर्तन करना है। यह इसको इस तरह से आप क्या हम ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, कि सुमिरन वो शक्ति है, सुमिरन वो हमें एक ऐसी शक्ति से लैस करता है कि जो सुख और दुख के भेद को ही समाप्त करती है। सुमिरन को आप एक औषधि मान सकते हैं जो मन में विषयों के संक्रमण को से आपको मुक्त कर देता है, क्योंकि जो व्यक्ति सुखी होता है भौतिकता के आधार पर,
उसमें बहुत अधिक संक्रमण आ जाता है, जिसको हम कहते हैं तुझे बड़ा अभिमान है, तुझे बड़ा गर्व है। बहुत सारे लोग तो जब सुखी व्यक्ति का पराभव देखते हैं भौतिक संसाधनों से, तो कहते हैं बहुत अकड़ता था, अब घड़ा भर गया। देखिए, आप सुख की बेचैनी को समझाएं। एक वन में एक व्यक्ति घूम रहा था, तो वृक्ष के नीचे से आवाज आई, तुझे धन चाहिए क्या? तो उसने आवाज की दिशा में देखा, बोले धन के लिए ही बेचैन हूँ, धन चाहिए। बोले धन से सुख मिलता है ना? बोले हाँ मिलता है। तो बोले ले ले, ये रखें। तो उसको सात घड़े मिल गए वहां पर जी। सातों घड़े जो है वो स्वर्ण सिक्कों से भरे हुए थे, लेकिन जो सातवें नंबर का घड़ा था वो थोड़ा खाली था। बाकी सब तो भरे हुए थे, सातवें नंबर का घड़ा थोड़ा खाली था। अब वो ले आया, चुपचाप घर में रखा और एक घड़े को गिना, दो को, तीन को, तो छह घड़े तो उसने बंद करके रख दिए कि ये भरे हुए हैं। सातवें घड़े को कहा कि इसमें बस कुछ सिक्के और डाल दूं तो ये भी भर जाएगा, तो सात घड़े मेरे पूरे हो जाएंगे। अब उसने कहा क्या करें, उसने अपने खर्च में कटौती कर दी, ज़्यादा मेहनत करने लगा, उसमें ला के सिक्के डालने लगा। लेकिन जब भी वो सिक्के डालता था वो वैसे के वैसे रहते थे। अब वो एकदम पागलों की तरह बेचैन हो गया, क्या करें। उसने सारे खाने पीने के कामकाज बंद कर दिए, दिन रात मेहनत करने लगा, सूख गया वो, लेकिन वो घड़ा भरा नहीं। एक दिन उस मार्ग से राजा निकल रहे थे, उसको देखा, भाई तुम तो अच्छे खासे कारीगर थे, व्यापारी हो, और ये हालत क्यों बना रखी है? अरे बोले साहब मत पूछिए, धन का बड़ा अभाव है, मैं पैसे के लिए तरस रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। राजा रुके और बोले क्यों, तू भी सात घड़े उठा के ले आया है क्या? वो चौंका, बोले आपको कैसे मालूम? बोले वहीं रखा, मुझे भी उसने सात घड़े दिए थे। तो जीवन में बेचैनी बढ़ गई थी। हम सबके जीवन में सुख वो सातवां घड़ा हो गया है, जिस जो अंतहीन रूप से हमें बेचैन कर रहा है। तो आप सातवें घड़े के फेरे में दुखी मत होइए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, सहजता का आनंद ये है, गीता में एक प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है, सिद्ध असिद्ध, जय पराजय, सुख दुख एक घाट पर रहते हैं, हम अपनी अनुभूति से विभाजन करते रहते हैं। सर्वमान्य दुख नहीं हो सकता, सर्वमान्य दुख नहीं हो सकता। शत्रु देश से युद्ध करता हुआ कोई सैनिक मारा जाए तो शत्रु देश में खुशी की लहर रहती, वहां बताया जाता है आज 25 सैनिक मारे गए, और जिस देश के 25 सैनिक मरे हैं उनके प्रत्येक घरों में जो है दुख की अनुभूति बनी रहती है। तो सुख और दुख सर्वमान्य नहीं है। तो सर्वमान्य कौन है? सुमिरन। सुमिरन कब करते हैं? जब सहज हो जाते हैं। सहज कब होते हैं? जब आप सुख से वंचित हो जाते हैं। तो सुख के अभाव को आप दुख कहने लगते हैं, मूलतः दुख नहीं होती, एक अनुभूति होती है आपके जीवन। एक तो दो तो ये प्रजातियां हो गई, सुखी और दुखी। आपने जैसा कहा कि दुख तरल करता है, दुख हमें मीठे पानी का एक अद्भुत स्रोत है दुख। लेकिन एक प्रजाति और भी है जो दुख में व्यग्रता, बेचैनी और क्षुब्ध होने की तरफ बढ़ जाती है। ना उसके पास सुमिरन होता है और ना दुख में वो बहुत विनम्र हो जाता है, वो और अशांत हो जाता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जी उसकी अधीरता ही उसको सुख से वंचित करती है। दुख उसके जीवन में आया ही इस अधीरता के कारण है, क्योंकि ये जिस प्रजाति की आप परिकल्पना कर रहे हैं वो अपनी अधीरता के कारण, अपनी बेचैनी के कारण, अपने दर्प के कारण, अपने अभावों के कारण, अपनी सोच में संकुचन के कारण आमंत्रित करता है उस तथाकथित भौतिक दुख को। क्योंकि सुख व्यक्ति तो सुखी वही है, कौन है संसार में दीन कहे धनवान सुखी जी। जो दीन होता है जी, वो कह रहा है कि नहीं साहब, सुखी तो धनवान है। दीन कहे धनवान सुखी जी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनी से ज्यादा राजा हो गया ना जी। और राजा कहे महाराज सुखी, चक्रवर्ती लोग सुखी हैं भाई, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अरे वो तो तुलना कर रहे हैं, सुख की तुलना हो रही है। और इंद्र कहे चतुरानंद को सुख, अरे ब्रह्मा जी सुखी हैं भैया, जिनके अधीन में काम कर रहा हूँ, ब्रह्मांड के अधिपति हैं वो, ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, अनंत ब्रह्मा उनकी सेवा में लगे रहते हैं तो है। और तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब दुनिया दुखारी। तो अगर आप सुमिरन नहीं कर रहे हैं, सुमिरन का अर्थ परमात्मा को का स्मरण करना, पूजा पाठ करना, धर्म करना नहीं। सुमिरन का अर्थ है अपने मन को, अपने चित्त को मैल मुक्त कर देना, जहाँ से विषय ना हो। आप सोचिए, आप संतोष कर लीजिए, जिस पल आपके हृदय में संतोष आया आप सहज हो जाएंगे। सहज हो जाएंगे तो जो अनुभूति करेंगे वो आनंदा अनुभूति है। भूतकाले भूतस्य
वर्तमाने वर्तते, भविष्य काले भविष्यन्ति किम चिंताम करिष्यति, जो बीत गया उसे भूल जाओ, वर्तमान में रहो, वर्तते रहो, परमात्मा को धन्यवाद देते रहो। ईश्वर चिंतन आपके अंतर चित्त में आस्था उत्पन्न करती है। आस्था वो संबल है जो दुख के भंवर में आपको डूबने नहीं देती। बहुत सुंदर बात कही आपने, और यही हम समझ पाए कि मनुष्य का मन जो है वो परिभाषाएं गढ़ने में उस्ताद होता है। दुख आया तो उससे जुड़ी सैकड़ों परिभाषाएं हैं, सुख आया तो उससे जुड़ी परिभाषाएं हैं कि भैया मेरी व्यस्तता है, सब नाते रिश्तेदार गलत समझ रहे हैं, अब किसी से मिल नहीं पाता तो लोग कहते हैं दम भी हो गया हूँ, क्या करूँ, अब लोग मुझसे धन की मदद की अपेक्षा रखते हैं, मेरे धन पर दृष्टि है। बहुत सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने कि सहज होना, क्या है दुख और क्या है सुख, क्या यही जीवन आपको इसीलिए मिला है कि आप परिभाषाएं गढ़ते रहें कि इस समय मैं बहुत दुखी हूं, इस समय मैं बहुत सुखी हूं, और इसी में जीवन कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता कि आप डायबिटीज भी ले आए, आप ब्लड प्रेशर भी ले आए, आपको दो स्टंट भी धमनियों में डल चुके हैं, कहीं आपको चलने में कठिनाई होने लगी है, इन सब के बीच में, सुख दुख के बीच में आप कितने ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जो सिनेमा देखने गए हैं या घर पर टेलीविज़न देख रहे हैं लेकिन मस्तिष्क कहीं और है। अचानक आपने कहा ये छक्का लगा पिताजी, बड़ा गजब हुआ है, छक्का, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ हैं आप, किधर हैं आप? आप अपने सुख में उलझे हैं या अपने दुख में उलझे हैं? तो भैया ना ऐसा सुख किसी काम का है ना ऐसा दुख किसी काम का है। सहजानुभूति, सहज रूप से चीज को स्वीकार करना कि हाँ प्रभु इस समय भी आप मेरे साथ हो और इस समय भी आप मेरे साथ हो, और जीवन में पैर जितने जमीन पर टिके रहें उतना अच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, आप प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।